एक मौम्मा है समझने का न समझाने का। रूहानियत के मामलात पर यह बात बिल्कुल सादिक आती है कि रूह की झनकार, रूह की तासीर फकत महसूस की जाती है। कश्मीरी कौम को बिलखसूस और आलम इंसानियत को बिलमूम रूहानियत की कदरों से जिन शख्सियात ने वक्त वक्त पर रूशनास कराया है उनमें एक अजीम नाम है शाह हमदान, हजरत मीर सैयद अली हमदानी। कश्मीर में दीन इस्लाम को मुतारिफ कराने का सेहरा इन्हीं के सर है। मीर सैयद अली हमदानी ईरान के शहर हमदान में 1314 ईस्वी में तवल्लुद हुए। इनका ताल्लुक सूफियत के कुबरवी सिलसिले से था। सूफियत मोहब्बत का दूसरा नाम है। सूफियत के दायरे में नफरत, निफाक या हसद की कोई जगह नहीं। ये रूहानियत का वो करिश्मा साज निज़ाम है जो दिलों में उन्स खुलूस के चिराग रोशन करता है, लोगों को एक दूसरे से करीब लाकर आपस में जोड़ता है, इख्तलाफात को हेज समझने की तलकीन करता है और ये दर्स देता है कि रब कायनात की हर मखलूक काबिल तज़ीम है। इंसानियत की आबियारी करने वाली इन्हीं कदरों की सौगात शाह हमदान कश्मीर ले आए 14वीं सदी के अवाखर में। एक ही आन में कश्मीर के आवाम इनके गिरविदा हुए। शाह हमदान की कश्मीर आमद फकत एक नए मजहब को कश्मीरी कौम से मुतारिफ कराने का बाइस न बनी बल्कि एक नए तमद्दुन को बुनियाद फराहम कर गई। अपनी पूरी जिंदगी में वो 3 मरतबा कश्मीर आए। हर बार उनकी जातो सिफात और उनके पैगामात से कश्मीर के आवाम का ताल्लुक और गहरा होता गया और यूं एक नया तर्ज जिंदगी परवान चढ़ता गया। वो तरीका हयात जो सांझी विरासत पर फख्र करता हुआ इसके हर कलीदी उंसुर से फैजियाब होने का रास्ता बताता है। इसका एक सबूत खुद ये खानकाह है जो हिंदू, बौद्ध और इस्लामी फन तामीर के इम्तिजाज का एक दिलकश नमूना है। इसका एक और सबूत शाह हमदान की रूह परवर सौगात औराद फतिया है जिसके मुतरन्निम विर्द की तलकीन खुद शाह हमदान ने की है ताकि माजी से हाल मुस्तकबिल का ताल्लुक कायम रहे।